हेलो स्टूडेंट्स, आई हेमंत सिंह एंड टीचिंग यू मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8। बच्चों, ये हम लोग सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 4 एंड क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। ओके, कुछ हमें 3 तक हम लोग सॉल्व करते हैं, कुछ हमें 4 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है बेटा कि फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, मीन्स रूट क्यूब रूट निकालना है बेटा। तो ठीक है, तो 1 से 10 तक के अगर क्यूब आपको याद हैं तो पता होगा कि ये किस चीज़ का क्यूब है। तो उसका मेथड बता रहे हैं, जैसे 512 है तो इसका क्यूब रूट निकालें तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे से इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट है भाई ये। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जो 4 एंड 2 5 जो 10 2 6 जो 12, 2 जो 2 2 जो 4 2 8 16, 2 6 जो 12, 2 4 जो 8, 2 3 जो 6, 2 2 जो 4 एंड 2 16 जो, 2 8 जो, 2 4 जो, 2 2 जो एंड 2 1 जो। ठीक है, अब 3 3 का पेयर बना लेंगे। ये बना एक पेयर, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। तो जो पेयर बन जाएगा उसमें से एक बाहर लिख देंगे, 2 × 2 × 2, तो 8 2 जो 4 जो 8, 8 का क्यूब है भैया ये, समझे। सिमिलरली वी हैव दिस 2 7 4 4 2 7 4 4। ठीक है भाई, तो अगर आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब आते हैं, ठीक है, तो एक दूसरा मेथड बता रहे हैं आपको हम। पहले लास्ट से 3 डिजिट को अंडरलाइन कर लो, ये कर लिए हम लोगों ने। अब देखो कि ये 4 जो है 1 से 10 तक के डिजिट में किसके लास्ट में आता है, किस नंबर का क्यूब करने पे 4 आता है। तो अगर हम 4 का क्यूब करते हैं तो 64 आता है, आता कि नहीं आता भाई। मतलब 4 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा। तो इसका मतलब लास्ट में कोई भी नंबर हो यहाँ पे क्यूब, लास्ट में 4 आना है उसको। अब यहाँ पे बचा 2, तो हम इसके नियरेस्ट कोई क्यूब ले लेते हैं। जैसे 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा, और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, जो कि 2 से ज़्यादा है। तो हम ज़्यादा नहीं लेंगे, कम ही लेंगे। तो क्या 14, ये हमारा आंसर आ गया, ये 14 का क्यूब है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है 1 से 10 तक का क्यूब। तो आपको लिखाए हैं उससे 1 से 10 तक के क्यूब में उससे टिक करें आप। वैसे 7 का ये जो है, ये 7 2 9 है, 2 मेथड हैं आपके पास भाई। से 9 का क्यूब है ये, तो 2 मेथड हैं आपके पास, एक तो मेथड ये है, एक ये है। लेकिन आपसे को 1 से 10 तक के क्यूब लर्न करके अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट सॉल्व करना है उसको। फिर ये देखते हैं 1 7 2 8, 1 7 2 8, तो 2 मेथड हैं इसके पास आपके पास इसके लिए। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, दूसरा लास्ट की 3 डिजिट को अंडरलाइन कर लो। ओके, अब देखो 8 किसके लास्ट में आता है। तो जब हम 2 का क्यूब करते हैं बेटा, तो 2 का क्यूब 8 होता है, 8 आता है लास्ट में। तो यहाँ 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो ये 18 का क्यूब, एक मिनट, और ये जो है तो 18 नहीं, ये जो है 2 का क्यूब के लास्ट में 8 आया बेटा, तो इसका मतलब 2 आएगा यहाँ पे। और 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो ये 12, तो 12 का क्यूब ये है। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। 2 मेथड हमने आपको दिए हैं, किसी भी मेथड से सॉल्व करिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको सॉल्व करना है, ठीक है भाई। और 4 में अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो उस क्वेश्चन को आप हमें बताएं, हम आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे सॉल्व करने में, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे ये देखो ज़रा, क्वेश्चन नंबर ये लास्ट में दिया गया है 19। तो यहाँ पे लाल क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि, 1 मिनट प्लीज। तो यहाँ कह रहे हैं कि क्यूब रूट निकालना है 4 प्लस, फिर से क्यूब रूट दे दिए हैं 61, प्लस फिर से क्यूब रूट दे दिए हैं
27 ये है भाई। ठीक है बेटा, आप समझो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये है लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो यहाँ पे 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 3। तो 3 हो जाएगा, 3 को 61 में जोड़ देंगे, कितना होगा 64। और 64 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, 4 को 4 में 8 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 8 का हो जाएगा। और 8 का क्यूब रूट पता है बेटा क्या होता है, 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 4 इंटायरली आपको सॉल्व करना है। इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ हमें बताएं, आई विल हेल्प यू आउट। ओके, थैंक्स।